इधर दो पाँव नहीं यूज़ किए जा रहे, वो एक पाँव पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं ये देखिए शूज़ पहन रहा हूँ एंड ये ब्लेड देख के आपको पता लग गया होता कि ये आइस स्केटिंग के शूज़ हैं। मैं आइस स्केटिंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पे कुवैत में, रोमेसिया के ऑपोजिट। तो ये वहाँ पे है आइस स्केटिंग रिंक, 5 KD इसकी एंट्री फ़ी है पर पर्सन, और इसके अपने टाइमिंग्स होते हैं। टाइम स्लॉट आपको फ़ोन करके उसे पूछना पड़ेगा बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग द टाइमिंग्स। नाउ लेट्स गो। लो जी ताडा भरा हुण अंदर चला है। यार रश देखो इधर, तो गिरेंगे भी तो सारे एक साथ। कोई एक यार बहुत रश है, ये तो मुझे लगा था ये थोड़ा होगा। हेलो। भाई मुझे नहीं पता था कि इतनी मुश्किल चीज़ है। मैंने एक पहले की है और मैं भूल गया था कि इसकी क्या टेक्निक है, किस तरह करते हैं। अभी मैं गिरता गिरता 2-3 दफ़ा बच गया हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं बीच में बिल्कुल भी अभी जा सकता हूँ। और लोग ऐसे ऐसे स्किल के साथ कर रहे हैं, वाह यार। लो भाई इसी तरह से आपका भाई जो है वो चला सकता है, मुझे और कोई तरीका नहीं आता। इसको चलाने का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस। यार ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्केटर हो, आइस स्केटर हो, तभी आप यहाँ पे आओ। हाँ मेरी तरह भी हो सकते हैं, लेकिन बस आपको यहाँ से पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डर लग रहे हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, दो दफ़ा गिरता गिरता बचा हूँ एंड आई डोंट थिंक कि मैं अभी इसको दोबारा कर सकता हूँ। चलो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन गिरूँगा ही ज़्यादा ज़्यादा। ओके, पहले आप जो है सांस झुके रहना है और हेड आगे रखना है, देन पाँव पर वजन रखना है। ओके, 20 सांस में इस तरह और इस तरह, तो जो पाँव आगे जाएगा उस पर वजन रखना है और उसको स्लाइड करना है, रुकना नहीं है वहीं पर। तो एक साइड कोई बात नहीं, आ जाए भाई। जितना आपका भाई इसको आसान समझ रहा था वल्लाह ये उतना नहीं है। बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए आंखों की, हाथ की, आपकी हिप्स की, फिर पाँव की, एंड देन ऑफ कोर्स द टेक्निक इज देयर। टेक्निक तो आपको आनी चाहिए। लोग इतने फ्लॉलेसली इसको कर रहे हैं कि समझ नहीं आती कि करे क्या। इधर मैं हूँ जिसको समझ नहीं आ रही अपनी टांगें सीधी रखनी है कि वी में रखनी है। ऑब्वियसली वी में रखनी है, बट वो ऑटोमेटिकली आपकी टांगें जो है वो सीधी हो जाती हैं। इधर दो पाँव नहीं यूज़ किए जा रहे, वो एक पाँव पे कर रहे हैं। वेरी टफ। यार आपने कहाँ से सीखे हैं? खुद ही। इतना अच्छा, चलो चला के दिखाओ, जाओ। अरे वाह। ये है जी। लो जी वीडियो के एंड में आप लोग को बता रहा हूँ कि इधर आपके सारों के साइज़ के शूज़ पड़े होते हैं, दीज आइस स्केटिंग शूज़। वो आप अपने देंगे तो वो आपको आपके साइज़ के दे देंगे, जैसे हर जगह पे चलता है। लो जी चोट वोट खा के, छोटे छोटे इधर उधर खा के मैं अब गाड़ी में आके बैठ गया हूँ। आप लोग भी इधर आ सकते हैं। इसका नाम है कुवैत विंटर गेम्स क्लब और ये है बयान में, बिल्कुल रोमेसिया के ऑपोजिट। प्राइस वगैरह आपको बता दी है, इसकी मैप्स पर एप्लीकेशन डालेंगे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और मुझे आप किसी तरह से प्यार देते रहें लाइक सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए, और मैं आप लोग ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।